Hi guys, welcome back to my channel. This is Priyanka coming again with another makeup tutorial for you guys. I totally understand that it's been a while that I haven't uploaded any of the videos, but again I am back. So yeah, if that interests you, please keep on watching, and again if you like it, do subscribe. So let's get started. Alright, so first product that I'm using here is Mama Earth Skin Correct Serum and Mama Earth Oil Free Moisturizer. So this is my bare face. I have nothing. I don't know. मैं दोबारा से high क्यों कर रही हूँ? No idea. And yes, here I'm using this Mama Earth serum on my face. This is one of the best serums, guys. Trust me. अगर आपकी skin oilier side पे है, even on the dry side पे भी है, you can absolutely use this serum. This is very light on your skin and it get absorbed into skin like anything. So yes, this is what I'm doing right now. And make sure, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो उसके लिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है. So अगर आप बेसिक स्किन केयर करना चाहते हैं इन अफोर्डेबल रेंज, तो दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग फॉर इट. एंड येस, यू कैन सी दैट पिम्पल ऑन माई फेस. And next product that I'm using is again from Mama Earth. This is one of their oil-free moisturizer. Again, one of the amazing products if you would like to go for it. Specifically, if you have acne-prone skin or oily skin, then this product is amazing. And yes, guys, Mama Earth is one of the Indian brands. So, hashtag vocal for local. So, yes. सो आपको अगर अपना मेकअप अच्छा चाहिए गाइस, सो मेक श्योर आप स्किन केयर पे प्लीज़ 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 इन्वेस्ट करें. मेकअप आपका अफोर्डेबल हो सकता है, स्किन केयर अच्छी है तो आप अल्ट्रा अफोर्डेबल मेकअप भी यूज़ कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स हाई एंड तो कर ही सकते हो. सो मेक श्योर स्किन केयर ज़रूर करें. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग हेयर इज फ्रॉम मेबेलिन. दैट इज़ वन ऑफ द कंसीलर्स फ्रॉम द रेंज फिट मी इन द शेड 25 मीडियम. अगेन गुड कंसीलर, बट आई वुड नॉट से दिस इज अ बेस्ट वन, बिकॉज़ ये जो कंसीलर है गाइज, ये बहुत ही जल्दी ड्राई आउट हो जाता है आपकी स्किन पे. स्पेसिफिकली मेरी स्किन पे तो ड्राई आउट हो ही जाता है. सो मुझे थोड़ा सा इसके लिए जल्दी वर्कआउट करना पड़ता है. इफ़ यू जस्ट गोइंग टू लीव दिस कंसीलर ऑन योर फेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन आपको एंड में ब्लेंड करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है. एंड वन मोर थिंग, दिस कंसीलर इज़ नॉट फुल कवरेज. दिस इज़, यू कैन से, बिल्डेबल टू मीडियम कवरेज. So yes, okay concealer I would say. And next I'll be using this beauty blender, and with the help of this beauty blender मैं यहाँ पे अपने concealer को properly blend कर लूँगी in the dabbing motion of course. So अगर आप concealer use कर रहे हैं guys and you're not using any of the foundation, so make sure जहाँ जहाँ पे भी आपको pigmentation है या फिर blemishes हैं, आप वो area concealer की help से कवर कर सकते हैं, जो कि मैंने भी सेम किया है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन ओवर इट. सो दिस विल गोइंग टू बी माय बेस टुडे. And next guys, if you want, you can even apply one more layer of the same concealer, and of course if you want, you can even apply foundation over it. So मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरेज आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस कंसीलर वन मोर टाइम अंडर माई आईज, जस्ट यू नो मेरे लिप्स के आसपास जहाँ भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेज हैं, मैं उस एरिया पर ये कंसीलर दोबारा से लगा रही हूँ ताकि मेरी जो कवरेज है वो मुझे अच्छी मिल जाए. एंड येस, यहाँ मैं डैबिंग मोशन में सारे कंसीलर को ब्लेंड कर ले रही हूँ. गाइज, दिस इज़ अ स्टेप, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप अच्छा दिखे, सो मेक श्योर आप कंसीलर हो या फाउंडेशन हो, सबको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस लूज पाउडर फ्रॉम ब्लू हेवन सफायर. दिस इज़ वन ऑफ देयर ट्रांसलूसेंट पाउडर, बट गाइज ट्रस्ट मी, आई डोंट नो वाई, बट दिस पाउडर इज़ सो येलो. मतलब अगर आप अपनी स्किन पे लगाओगे तो एकदम आपकी स्किन जो है वो येलो येलो हो जाएगी. आई डोंट नो हाउ कम दिस इज़ ट्रांसलूसेंट, बट मैंने सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की वजह से इसको बाय कर लिया था, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट बिकॉज आई बॉट इट.
बट अगेन आप डस्ट ऑफ करते हो तो फिर ये इतना पता नहीं चलता है. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस पाउडर ओवर हियर, और जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है उस एरिया को मैं इस पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी. थोड़ा सा अंडर आई पे रहने दूँगी बिकॉज वहाँ पे क्रीजिंग थोड़ा ज़्यादा होती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वो जो पाउडर है वहाँ पे उसको छोड़ दूँगी ताकि जो मेरा अंडर आई एरिया है वो एक्चुअली सेट हो जाए. ओके, सो जब तक मेरा ये अंडर आई पाउडर सेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज कर लूँगी. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये आईब्रो पाउडर, एंड आई रैंडमली गॉट इट फ्रॉम मिनीसो. सो बाकी इस पर कुछ नहीं बचा है, यू कैन सी द पैकेजिंग, बट अगेन दिस इज़ वन ऑफ द गुड आईब्रो पाउडर यू कैन से. सो विद द हेल्प ऑफ द सेम मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा डेफिनेशन दूंगी बिकॉज गाइज मेरी आईब्रोज दिखती तो है नहीं, सो आई हैव टू डू दिस, सो आई डिड इट. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग हेयर इज वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट, विच इज़ वेरी कॉम्पैक्ट यू कैन से, वेरी अफोर्डेबल अगेन. इसमें आपको दो ट्रांजिशन शेड मिल जाते हैं, दो शिमर शेड मिल जाते हैं, रेस्ट ऑफ द शेड्स आर मैट. सो अगेन वन ऑफ द गुड पैलेट आई वुड से. सो यहाँ पे आई एम गोना यूज़ नॉट दिस वन एक्चुअली, द लाइटर पिंक शेड, येस दिस वन, और इसे मैं अपनी क्रीज को और अपने आईलिड्स को कम्प्लीटली इससे फिल करूँगी. मैं कुछ ज़्यादा इस पर नहीं करने वाली हूँ, आई एम गोना यूज़ दिस शेड ओनली, एंड मैं इसको अपनी पूरी आईलिड पे नॉर्मली अप्लाई करूँगी. एंड विद दिस आई शेडो पैलेट गाइज आई वुड लाइक यू टू टेल यू वन मोर थिंग. आई शेडो पैलेट इज़ ऑफ़ कोर्स अमेजिंग, ये वन ऑफ देयर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है आई वुड से, बट द फॉल आउट इज इनसेन इन दिस पैलेट, सो दैट यू हैव टू टेक केयर. बिकॉज मैंने यहाँ पे यही कर दिया है क्योंकि मैंने अपना बेस पहले ही बना लिया है, एंड देन मैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. बट इफ़ यू आर यूजिंग इट, मेक श्योर कि आप अपनी आईज पहले करो एंड नेक्स्ट यू कैन डू योर बेस ऑन इट. बट गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपने अंडर आईज को पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया है. मैंने वो पाउडर डस्ट आउट नहीं किया था, सो इट विल गोइंग टू हेल्प मी आउट. जब मेरा ये आई लुक कम्प्लीट हो जाएगा देन आई एम गोना डस्ट दैट पाउडर आउट, एंड जो भी हल्का फुल्का फॉल आउट हुआ होगा वो उस पाउडर की हेल्प से डस्ट ऑफ हो जाएगा. एंड यहाँ पे मैंने अपनी आईज कर ली है, एंड बाय यूजिंग द सेम कलर मैं यहाँ पे अपनी लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे कोई भी काजल नहीं यूज करूंगी. बट आप चाहें गाइस तो आप यहाँ पे काजल भी यूज़ कर सकते हैं, इस शेड को अंडर आइज पे लगाने के बाद आप यहाँ पे काजल भी यूज़ कर सकते हैं. एंड गाइज लुक एट द फॉल आउट आई टोल्ड यू. सो अगेन यहाँ पे मैं अपना सेम पाउडर यूज़ कर रही हूँ और जो मेरा रेस्ट ऑफ द फेस है उसको भी एक बार सेट कर लूँगी बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. आपको अपना मेकअप सेट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट विल गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो यस यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस को एक बार सेट कर लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी ये आई लैशेज लगाऊंगी जो कि मैंने अमेजोन से रैंडमली परचेज की थी, एंड दिस ग्लू इज़ फ्रॉम मिस क्लेयर और ये ब्लैक कलर में है. आई प्रेफर ब्लैक कलर ओवर वाइट बिकॉज वाइट थोड़ी सी दिखती है. सो यहाँ पे मैंने ये आई लैशेज लगा ली है. नाउ आई एम गोना यूज दिस फेसेस कैनेडा आई लाइनर एंड दिस मेबिलिन पुशअप ड्रामा मस्कारा. एंड यस यहाँ पे मैं आईलाइनर को अपनी आईज पे लगा रही हूँ. एंड नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस मस्कारा, एंड मैं यहाँ बहुत थोड़ा सा यूज़ करने वाली हूँ गाइस बिकॉज मेरी जो आईलैशेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हैं. सो मैं यहाँ पे सिर्फ
इसीलिए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जस्ट कि मेरी ओरिजिनल जो आई लैशेज़ हैं एंड जो फेक आई लैशेज़ हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएं. दैट इज़ द ओनली पर्पस. अदरवाइज दिस मस्कारा इज़ वन ऑफ द गुड मस्कारा गाइज, तो आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आई बी यूजिंग द सेम आई शेडो पैलेट और उसमें से मैं ये शिमरी शेड ले रही हूँ और इस शिमरी शेड को मैं अपने इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए. सो अगर आप अपना आई शेडो मिनिमल रखते हो एंड जस्ट अपने इनर कॉर्नर्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हो गाइज, ट्रस्ट मी वो जो आपका लुक है ना वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है. एंड नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस शुगर का ब्लश विच इज़ इन द शेड 02. थोड़ा सा पिंकी शेड में है एंड गाइज ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी 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 पिगमेंटेड. यू कैन जस्ट लुक एट इट. सो आपको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है. सो इनिशियली थोड़ा सा लें, डस्ट ऑफ करें, देन यू कैन बिल्ड अप इफ़ यू वॉन्ट मोर. एंड येस आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस ब्लश ऑन माई चीक्स. सो धीरे 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 करके ही बिल्डअप करें बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर ब्लश इज सो 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 पिगमेंटेड एंड दिस कलर इज़ सो लवली. सो ये शेड मैंने गाइज इसीलिए यूज़ किया है ताकि जो मेरा ऑल ओवर मेकअप लुक है वो थोड़ा पिंकी साइड में रहे, ताकि जो भी आप आउटफिट या ड्रेस पहने, वेदर इट इज़ एथनिक, इवन इंडो वेस्टर्न और वेस्टर्न ऑल्सो, आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको अपने आउटफिट के साथ मैच ईजली कर पाएंगे. सो नेक्स्ट इज़ माई बेस्ट पार्ट गाइज, दिस इज़ अ हाईलाइटर ऑफ कोर्स, वन ऑफ माई बेस्ट हाईलाइटर फ्रॉम मेबलिन इन द शेड मोल्टन गोल्ड. So yes, I'm just taking this highlighter and I'll be just applying this highlighter all over my face, specifically bridge of my nose, on my cheekbones, on my cupid's bow, जहाँ जहाँ आपको highlighter लगाना पसंद है. कोई भी कंजूसी मत करें because with the help of highlighter guys, the look that you will going to achieve in the end will be stunning. You can look at it. This highlighter is one of the amazing highlighters guys. So trust me, I love this highlighter. So I think मुझे personally highlighter लगाना बहुत पसंद है. So I can suggest you आप भी लगाओ. So just be glam, be beautiful. So yeah, why not? And yes, next I'll be using this Maybelline lipstick that is Superstay Matte Ink in the shade 15. This is one of the lovely shade guys. Again, I have just selected the color which is on the pinkish side, I would say. So yes, that is what I'm using on my lips today. And this is again one of the good shades guys. If this Maybelline says Superstay Ink, trust me guys, agar aap ise ek bar laga loge, no matter what you do, ye lipstick aapke lips se hategi hi nahi. आपको ये लिपस्टिक हटाने के लिए गाइज यू हैव टू मेक श्योर आपको इसके लिए कोई माइसलर वाटर या एनी काइंड ऑफ क्लिनजर यूज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ सो 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 लॉन्ग लास्टिंग. मीन्स अगर आप एक बार लगाते हो आपको दोबारा ये लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड लुक एट द शेड गाइज, कम ऑन, वी शुड अप्रिशिएट इट. एंड नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस एले गर्ल प्रो सेटिंग स्प्रे टू सेट अप माई मेकअप. दिस विल गोइंग टू बी माई लास्ट स्टेप. सो येस दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग. मैं इस सेटिंग स्प्रे की हेल्प से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी ताकि थ्रू आउट द डे पूरी मेरा ये जो मेकअप है इंटैक्ट रहेगा, बना रहेगा. दिस विल गोइंग टू स्टे ऑन माई फेस. सो थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आप इसे नॉर्मली अपने फेस पे स्प्रे कर लें. एंड येस आफ्टरवर्ड्स आई विल बी जस्ट लेटिंग इट टू ड्राई एंड मैं अपना लास्ट में अपना जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है उसकी हेल्प से मैं अपने फेस को एक बार दोबारा से सेट कर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है गाइज वो ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो सोक आउट कर लेगा एंड जो मेकअप होगा दैट विल बी फ्लॉलेस ऑन माई स्किन. एंड येस जस्ट वन सेकेंड, हेयर यू गो. मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी भी लगा ली है, बालों को थोड़ा सा ओपन किया है, मतलब थोड़ा सा नहीं फुली ओपन कर लिया है. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक यू गाइज. I personally liked it and look at the glow on my cheeks guys, come on. So yes, that is all for today's video guys. Agar aapko ye video pasand aati hai, don't forget to give it a like, do subscribe to my channel and next to that there is a bell icon, don't forget to hit that like so that aapko jo videos ki notifications hai wo milti rahe.
And thank you so much guys for watching this video, and please do take care of yourself, stay at your home, and yes, thank you so much for your love and support. Bye, take care.